नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और मैं सारनाथ के धम्म स्तूप परिसर में मौजूद हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस खास दिन पर एक अपनी लिखी कविता में पढ़ रहा हूँ, खास तौर पे इस परिसर में। कविता का शीर्षक है चूल्हा। शहर में इन दिनों कभी कभार सोंधीपन शब्द से गुजरता हूँ। बतौर नरेश सक्सेना पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। ठीक उसी तरह मैं शब्द ही से गुजर पाता हूँ। सोंधेपन की पहुँच मेरे जुबान तक ही हो पाती है, जीभ से नहीं। शहर के कथित सोंधेपन से गांव का सोंधापन बिल्कुल अलग है। गांव के सोंधेपन से सीधा जुड़ाव है मिट्टी के चूल्हे का। चूल्हे जुड़े हैं भूसे और तरल मिट्टी के उचित अनुपात से। चूल्हे में सोंधापन है, सोंधेपन में चुंबकत्व है, गुरुत्वीयता है, संवेदना है। चूल्हा है तो चैला है, फुकनी है, राख है, जलावन है, गोइठा है, बटुली, अधहन, पीढ़ा, ठिबरी, ताखा और सिकहर है। लिपाई चौक पूर्णा है। चूल्हा है धुआं है, धुआं है तो धुएं में उलसाया अलसाया हुआ माँ का गेहुआ चेहरा है। माँ के पसीने की गंध है। गीले चैले से जूझती हुई माँ है। छिटकते हुए आग से बचाव करती हुई माँ की कर्तव्य है। चूल्हा है तो पालथी मार कर खाना खिलाती हुई, रोटियां बढ़ाती हुई लोकगीत गुनगुनाती हुई माँ है। चूल्हा है तो गांव घर जवार है, माटी की महक है, सोंधेपन की सुगंध है, विराट लोक संसार है। चूल्हा लोक संस्कृति का